वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल एक सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है। इस तलीय क्षेत्र के परिणाम हम आपको उस आकृति का क्षेत्रफल या एरिया कहते। यदि ए और बी दो सर्वांगसम आकृतियाँ हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, अर्थात एरिया ए इज इक्वल टू होगा एरिया बी। बट ये विलोम सत्य नहीं है। यदि एक आकृति टी द्वारा निर्मित दो आकृतियां पी और क्यू द्वारा निर्मित नॉन ओवरलैपिंग तली क्षेत्रों से मिलकर बना है तो आकृति टी का क्षेत्रफल निम्न प्रकार निकालेंगे। ए एरिया टी इज इक्वल टू एरिया पी प्लस एरिया क्यू होगा। देख रहे हैं बच्चों आप लोग चित्र में कि दो एरिया जो है वो शो है, पी और क्यू, और ये टोटल जो है P प्लस क्यू इज इक्वल टू होगा T के बराबर, अर्थात T का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आकृति P प्लस आकृति Q का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को संक्षेप में AR द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब देखते हैं एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट वाली। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। फर्स्ट है, आप पहली आकृति देखें, उसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसका एक उभयनिष्ठ आधार डी सी है। ए बी और डी सी की समांतर रेखा पर त्रिभुज का शीर्ष पी और चतुर्भुज का शीर्ष ए और बी स्थित है। देखिए स्टूडेंट, जो एक त्रिभुज बनाया है डी पी सी में, पी जो है उसका शीर्ष होता है और चतुर्भुज में शीर्ष ए और बी से टच होके पी बिंदु जा रहा है। अतः ये आकृतियां त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब सेकंड चित्र में इस आकृति में दोनों चतुर्भुज का आधार एसआर तो उभयनिष्ठ है, परंतु उनके शीर्ष पी क्यू व एम एन आधार के समांतर एक रेखा में नहीं है। अतः ये एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। थर्ड वाली आकृति को देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज क्यू आर टी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस का आधार क्यू आर उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में ही कॉमन है। जबकि आधार क्यू आर के समांतर एक ही रेखा त्रिभुज क्यू आर टी का शीर्ष टी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस के शीर्ष पी आर एस स्थित है, तब त्रिभुज क्यू आर टी और पी क्यू आर एस एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उभयनिष्ठ आधार क्यू आर तथा समांतर रेखाएं क्यू आर व पी एस। नेक्स्ट चौथे नंबर की आकृति देखें, उसमें दो समलंब और एक त्रिभुज है जिनका कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है, अतः ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं। पांचवें चित्र में इस आकृति में दो समलंब ए बी क्यू डी तथा ए पी सी डी हैं व दो त्रिभुज ए बी पी और डी सी क्यू जिसमें सभी का कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है, अतः ये आकृतियां एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। अगला चित्र में दी गई आकृति पी क्यू आर एस में एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अंतर्गत चतुर्भुज पी ए डी एस, चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज बी क्यू आर सी तीन समांतर चतुर्भुज समाहित है, परंतु कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है, अतः ये आकृतियां एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये देखा। आप लोग अपनी एक प्रैक्टिकल कॉपी ले लें, इसमें आप चित्र अच्छे से बनाएंगी और ये प्रश्नावली को नोट करेंगी और एक एक चित्र को 5-5 बार बनाएंगी और अच्छी प्रैक्टिस करेंगी। थैंक यू सो मच।